हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग देखिए आज हम लोग ये फ्लावर बनाएंगे ये पीछे से ऐसा है अभी इसकी फिनिशिंग नहीं हुई है और आगे से ये ऐसा है ये दो कलर से मैंने बनाया है आप चाहे तो एक कलर से भी बना सकते हैं और ये देखिए थ्री इफेक्ट दे रहा है और आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैप पे बेबी कैप कोई बनाए या कोई फ्रॉक या जहां भी आप चाहें वहां इसको असेंबल करके उस चीज को एक नया लुक दे सकते हैं और बिल्कुल इजी है चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इस बार बीच में मैंने ये लिया था अब इस बार मैं बीच में ये व्हाइट कलर लूंगी और आप जरूरी नहीं है आप एक कलर से भी बना सकते हैं मैंने एक कैप बनाई है उसमें मैं इसे अरेन्ज करने वाली हूं तो सबसे पहले हम मैजिक रिंग बनाएंगे मैजिक रिंग इस तरह से बना लिया और ये ये देखिए इस तरह से दोनों सिरे दबा लिए और ये यहां से ऐसे यह निकाला और अब यहाँ पे इसको सिक्योर कर लिया और एक दो तीन तीन चेन बना लिए और इस सर्कल के अंदर जो मैजिक सर्कल है इसके अंदर हमें बीस ट्वेंटी डबल क्रोशिया ट्वेंटी डीसी हमें बनाने एक दो और इसी तरह से हम 20 डबल क्रोशिया इस सर्कल के अंदर बना लेंगे जो ये वाली चीज होगी ये देखिए इस मैजिक सर्कल के अंदर हमने ये 20 डबल क्रोशिया बना लिया और अब ये जो छोटा वाला धागा था इसको खींच के हम इस होल को छोटा कर लेंगे ये इस तरह से ये हमने खींच के ऐसा मत खींचेगा कि टूट जाए ये बिल्कुल देखिए बिल्कुल छोटा सा हो गया अब इसको बाद में हम यहां पर रोके इसको छिपा देंगे धागे को फिनिशिंग लाने के लिए और जो स्टार्टिंग में हमने ये जबल क्रोशिया बनाई थी तीन चेन लेके उसके टॉप में इंसर्ट करके और यहाँ हम स्लिप स्टिच से सर्कल को पूरा कर लेंगे अगर आपने एक ही कलर से बनाना है तो ये जो पंखुड़ियां है, हैं पेटल्स हैं फ्लावर की उसको आप इसी कलर से स्टार्ट कर सकते लेकिन मुझे ये वाला कलर लगाना है पिंक वाला तो इसके लिए मुझे यहाँ पे ये वाला धागा कट करना पड़ेगा तो एक चेन लेके हम इस व्हाइट वाले ऊन को कट कर देंगे और यहीं से हम अपना सेकंड कलर ज्वाइन कर लेंगे लेकिन अगर आपने एक ही कलर से बनाना है तो धागा कट करने की कोई जरूरत नहीं है अब इसी जगह पे जहां हमने धागा कट किया है इसको छिपाते चलेंगे साथ साथ हमने अपना पिंक कलर ज्वाइन कर लिया इस तरह से इस तरह से और एक चेन लेके इसे हम पक्का कर लेंगे ठीक है और पक्का करने के बाद कि हमारा ये धागा पीछे से देखिए यहाँ से निकल गया तो गांठ भी लगा सकते हैं हमें ये व्हाइट धागे को भी साथ छिपाते हुए चलना है तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे लिया और ये एक चेन लेके इसे पक्का कर लिया हमने अब हमें यहाँ पे इसको ये खींच के ऐसे टाइट कर लेंगे और एक और एक ये दो चेन बना ली ठीक है हम और ये पांच पांच चेन, बनाएंगे। ये पांच चेन हमने क्यों बनाई है मैं अभी आपको बताती हूं एक दो तीन तीन चेन तो एज ए डबल क्रोशिया यूज करेंगे और दो चेन हमें यहाँ पे वी स्टिच बनानी है तो उसके गैप के लिए करेंगे तो ऊन ज्वाइन करने के बाद हमने पांच चेन बना ली फिर उसके बाद सेम उसी प्लेस में हुक को इंसर्ट करके एक डबल क्रोशिया हमने बनाई तो ये देखिए हमारा वी स्टिच बन गई तीन ये डबल क्रोशिया और दो ये गैप फिर उसके बाद हमें इसके बाद वाली चेन को स्किप कर देना है और नेक्स्ट वाली चेन में हुक को इंसर्ट करके एक डबल क्रोशिया बनानी है दो चेन और सेम उसी प्लेस में हुक को इंसर्ट करके एक डबल क्रोशिया और बना लेनी है तो ये हमारी दूसरी भी बन गई फिर नेक्स्ट स्किप करेंगे नेक्स्ट में वी स्टिच बनाएंगे तो इसी तरह से हम बनाते हुए ये जो वी स्टिच है ये हमारी दस वी स्टिच बन जाएंगी और हम यहाँ पे आके आपको दिखाते हैं ये देखिए अब यहाँ पे हमने अगर काउंट करें तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये टेन वी हमारी बन गए अब यहाँ एक चैन हमने स्किप की एक लास्ट में एक चेन बची है और जो हमने यहाँ पे ये बनाई थी पांच चेन तो इसकी वन टू थ्री थ्री चेन छोड़ के और फोर्थ वाली में हुक को इंसर्ट करेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से ऐसे हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा सेकेंड राउंड कुछ इस तरह से दिखेगा अब हमें इस जगह पे जाना है तो इस जगह पे जाने के लिए यहाँ से हमारी पंखुड़िया पेटल शुरू होंगी यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करके इस दो चेन वाले स्पेस में आ गए फिर उसके बाद हमने दो चेन बना लिए और इसी दो चेन स्पेस में हमें तीन सॉरी सिक्स डबल क्रोशिया बनानी है एक दो तीन देखिए इसी तरह से हमें ये चेन को काउंट नहीं करेंगे उसके अलावा हमें सिक्स डबल क्रोशिया बनानी है ये देखिए छह डबल क्रोशिया हमने बना ली अब ये वी है जो दो डबल क्रोशियों से बनता है तो इस वाली को हमने छोड़ दिया जो सेकंड वाली डबल क्रोशिया है वी स्टिच की उसको हमें ऐसे उठाना है इस तरह से और इसको इसके अंदर से लेते हुए हमें छह डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के अंदर से ऊपर अपने हुक पे लेते हुए बनानी है दो तीन चार पांच और ये ठीक है छह डबल क्रोशिया हमने बना ली ये हमारा जो है थोड़ा थोड़ा लुक ऐसा दिखाई देगा अब हमें क्या करना है ये इस तरह से हम पलटेंगे और ये देखिए इस तरह से हमने पलटा और जो नीचे जो नीचे हमने सेकेंड वाले राउंड में ये एक चेन स्किप की थी ना उस वाले चेन को हम ऐसे हुक पे उठाएंगे और इसे इसकी पॉली चेन को नीचे वाले राउंड की और यहां पे स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे ठीक है तो ये हमारी इस तरह से मुड़ी हुई सी पत्ती बन जाएगी ठीक अब उसके बाद हमें क्या करना है फिर ये लेना है धागा और जो ये नेक्स्ट वाली वी स्टिच है ये जो दूसरी वी स्टिच दिख रही है ये इसके फर्स्ट वाली जो लेग है फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया ये ये इसको उठाना है मैं पहले आपको ऐसे दिखा देती हूं फिर बनाती हूं ये जो वी स्टिच है इसकी इस वाली को हुक पे लेना है और इसके अंदर उठाते हुए छह डबल क्रोशिया बनानी है ये ऐसे लिया ये देखिए इस तरह से एक ये दो वी स्टिच वाली डबल क्रोशिया के ऊपर तीन चार पांच और एक ये छ डबल क्रोशिया बन गई ठीक है फिर उसके बाद जो वी स्टिच की ये दो चेन की स्पेस थी इस वाले में हमें छह डबल क्रोशिया बनानी है एक दो तीन चार पांच ठीक है ये ऐसे बन गया अब हमको ये जो वी स्टिच की ये वाली डबल क्रोशिया वाली है ये दूसरी लेग जो वी स्टिच के इसको देखिए ऐसे हुक पे लिया और इसके अंदर से ये आपको दिख रहा होगा इसके अंदर हमें छह डबल क्रोशिया बनानी है ये मैंने बना ली अब आपको ये दिख रहा होगा जैसे इसमें दिख रहा है उसी इस तरह पत्तियों का शेप दिख रहा है अब क्या करना है वो ही, जो नीचे वाले राउंड में हमने एक चेन स्किप की थी उसको ऐसे हुक पे लेंगे इस तरह से और यहां से बिना कोई धागा लिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे सेम यही चीज हमें पूरे वी में बनानी है क्या करना है सबसे पहले इसे मैं निकाल के आपको दिखाती हूं आपने देख लिया कैसे बनानी है सबसे पहले हमें नेक्स्ट वाली वी स्टिच की जो ये वाली लेग है इसके इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इस वाले इसको इस वाली डबल क्रोशिया छह डबल क्रोशिया बनाएंगे जब इस पे छह डबल क्रोशिया बन जाएगी तो फिर ये जो दो चेन की स्पेस है इसमें छह डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर ये दूसरी वाली जो वी डबल क्रोशिया है इसको इस तरह से लेंगे और इसमें हम छह डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर उसके बाद जो ये जो नीचे चेन हमने स्किप की थी उसमें हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे सेम यही पैटर्न रिपीट करेंगे और हम जब यहां आएंगे तो आपको दिखाते हैं ये देखिए इसी तरह से हमने ये पूरी पंखुड़िया बना ली अब जब हम लास्ट में आ गए तो आपको ध्यान होगा यहाँ पे हमने नीचे जो स्लिप स्टिच हमने स्किप की थी उसमें स्लिप स्टिच भी कर लिया अब जब स्टार्ट में हमने शुरू किया था तो हमने इस वाली जो पहली वाली जो तीन चेन वाली डबल क्रोशिया थी इसमें हमने डबल क्रोशिया नहीं बनाई थी तो अब मतलब एक तरह से ये हाफ पत्ती बनी थी तो अब यहां भी हम ये उठाएंगे और जो सबसे पहली वाली थी जहां से हमने देखिये स्टार्ट करा था यहाँ पे तो इसकी ये जो पहली वाली डबल क्रोशिया है इसको उठाएंगे और इसमें भी हम एक दो तीन चार पांच और एक ये छे छह डबल क्रोशिया हमने बना दी तो ये भी पत्ती जो है कंप्लीट हो गई और उसके बाद जो ये तीन हमने बनाई थी इसके टॉप में इंसर्ट करके और स्लिप स्टिच से इसे हम ज्वाइन कर देंगे और यहां पे धागे को हम कट कर देंगे और ये देखिए बाद में इसको हम पीछे सुई से या क्रोशिये से ही छिपा के और इसको फिनिश लुक दे देंगे ये इस तरह से इसे पीछे छुपा देंगे तो देखिए ये हमारा प्यारा सा फ्लावर बन के तैयार हो गया आप इसको जहां भी चाहें वहां अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं और किसी भी सिंपल से सिंपल चीज को आप बहुत सुंदर सा लुक क्रिएट कर सकते हैं स्पेशली बच्चों की किसी प्रोजेक्ट में तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा वैसे आप करते नहीं हो लेकिन प्लीज कर देना क्योंकि इसी तरह से रहा तो चैनल डेड हो जाएगा और फिर मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी मेरी इतनी प्यारी एक सब्सक्राइबर ने मेरे एक जैकेट वाली डिजाइन पे उन्होंने लिखा था कि आप इस जैकेट को स्टेप बाय स्टेप बनाएं लेकिन बस इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूं कि बनाओ मेहनत करो और आप बिल्कुल भी उसको एप्रिशिएट नहीं करते हैं तो प्लीज एप्रिशिएट कीजिए और वीडियो को पसंद आए तो कमेंट करके बताइए आप क्या मैं बनाऊं जो आप लाइक करते हैं और उसको देखना पसंद करेंगे और बीच में आप एक मोती भी टक कर सकते हैं तो चलिए इसी तरह से फिर किसी वीडियो में मिलते हैं आपके साथ कुछ नई चीज़ के साथ और सिंपल चीज़ के साथ थैंक यू एंजॉय क्रोचेटिंग